बलरामपुर में यात्रियों से भरी रोडवेज बस नेशनल हाईवे 730 पर लोकोहवा के पास पलटी। बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी। बस में सवार थे 36 यात्री, कई के बस में फंसे होने की आशंका। घायलों को जिला मेमोरियल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में एडमिट कराया गया। बलरामपुर डिपो के बस कैसरबाग लखनऊ से बढ़ने जा रही थी। बस बलरामपुर यात्री उतारने के बाद 5 बजे बढ़ने के लिए निकली थी। बस चालक संतोष कुमार सैनी की हालत गंभीर, परिचालक मऊ के इटौरा गांव निवासी सूरज को भी लगी चोट। घटनास्थल पर एक की मौत जबकि एक अन्य की इलाज के दौरान हुई मौत। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, मौके पर कई थानों के पुलिस व मेडिकल टीम भी मौजूद। बलरामपुर से निजामुद्दीन हंसारी की रिपोर्ट। सरिया जहां लोकाहवा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कई लोग घायल बता रहे हैं, क्या स्थिति है और मेडिकल टीम ने किस तरह से यहां पे कुल जो हमारे दो हमारी सुबह जब इंफॉर्मेशन मिली तो हमारी 4 BLS और 2 LS यहाँ पे आ गए स्पॉट पे। जो कम सीरियस बहुत मामूली चोटें थे उन्हें उन लोगों ने तुलसीपुर से 80 लेकर गए। जो उनको लगा कि कुछ सीरियस है उनको मेमोरियल जिला मेमोरियल अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर एक ड्राइवर की स्थिति सीरियस थी जिसको कि मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रिफ़र किया गया। कुल 8 तुलसीपुर गए थे, 10 पहले मेमोरियल को गए थे, जिसमें कि बहराइच जो ड्राइवर था वो सीरियस था, बहराइच भेजा गया। 2 एक कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है, ऑन स्पॉट एक कैजुअल्टी है। एक पेशेंट एक व्यक्ति सीरियस था जिसको भी मेमोरियल भिजवाया है, वहाँ जाकर देखूंगा कि उसकी स्थिति क्या है। 36 लोगों की यहाँ सूचना मिली, लेकिन अस्पतालों में हमारे जो हैं 12 लोग अभी 10 पहले गए थे, 8 इधर, 18 लोग गए थे, जिसमें से एक और यहाँ से सीरियस भेजा गया, एक डेड बॉडी है, बाकी लोग मामूली रहे होंगे, निकले होंगे, चले गए होंगे अपने घर।